मिलेगा ये भविष्य के गर्त में छिपा। अश्विन, मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले, और चूंकि विधानसभा चुनाव भी बेहद नजदीक है हरियाणा के अंदर, तो एक तीर से कई निशाने तो साधे साधे लोकसभा को भी सेट कर दिया है। जो नाराजगी थी उसे दूर करने के लिए मनोहर लाल को कहा कि साहब आप आओ दिल्ली आओ, ठीक है, इलेक्शन लड़वाते हैं आपको। देखिए, प्रधानमंत्री दो दिन पहले उन्हीं मनोहर की तारीफ करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ये भी जानते हैं कि व्यक्तिगत संबंध और पार्टी चलाना और जो 400 का नारा उन्होंने दिया है कि सीटें लाएं, उसके लिए बहुत सारे सर्वे, समीकरण, सोशल इंजीनियरिंग, सब कुछ प्लान सेट था, ये होना था। उदाहरण के तौर पे आप उत्तराखंड देखेंगे, उत्तराखंड में त्रिवेणी सिंह रावत को किस तरीके से हटा के धामी को लाया, नाराजगी थी। उत्तर प्रदेश में कवायद थी लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि संघ योगी आदित्यनाथ के साथ रहा। लेकिन देखिए, दिनेश शर्मा जी को हटा के बृजेश पाठक को लाया जाता है जो पहले बीएसपी में थे, उसके बाद ओबीसी से किशोर प्रसाद मौर्य जो चुनाव भी हारते हैं लेकिन उनको बनाते हैं। तो जो मुझे लगता है उथल पथल हुआ, जो समीकरण हुआ है, इसमें आपको दो चीज बारीकियां समझनी होगी। सीट शेयरिंग एक मसला भर है, लेकिन आप दूसरी एक इनसाइड स्टोरी देखें, किसान आंदोलन हो गया, जाटों का आंदोलन हो गया, इसमें भारतीय जनता पार्टी के पास जो जाट बोर्ड बैंक था, क्योंकि हरियाणा में जाट बोर्ड बैंक अपने आप में इतना प्रभाव है कि किसी की सत्ता ला सकता है और किसी को सत्ता से बाहर कर सकता है। तो अब जब दुष्यंत चौटाला बाहर होंगे इस पूरे जेजेपी इसमें से गठबंधन से बाहर होगी, तो अब जाटों का वोट बैंक तीन तरफ बटेगा, एक कांग्रेस खेमे में जाएगा, एक खुद दुष्यंत ले जाएंगे, अदर जो पार्टियां हैं उनकी खेमे में जाएगा। इसका सीधे तौर पे भाजपा पड़ेगा, भाजपा को फायदा पड़ेगा क्योंकि नाराजगियां मनोहर लाल खट्टर को लेके थी, तो किस मुख से दुष्यंत जाते, बीच में जब आंदोलन चल रहा था पहलवानों का तब भी दुष्यंत अलग होने वाले हैं, अलग होने, ऐसी सुगबुगाहट राजनीति में थी। तो ये पूरे प्लानिंग के साथ हुआ, और भाजपा को जहां पहले जीती है उनको समेटना, उससे उनके हाथ से निकल जाए। और साउथ में जिस तरीके से प्लान उन्होंने बढ़ाया और प्रोग्राम किए, चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो, चाहे तमिलनाडु में, चाहे कर्नाटक में हो, चाहे जम्मू कश्मीर में, आप देखें 25 राजस्थान में जीते, मध्य प्रदेश की सीटें हैं, बिहार में अब वैसा समीकरण नहीं रहा, उत्तर प्रदेश में सीटें बढ़ानी है। तो ये पूरा प्लान के साथ दो डिप्टी सीएम जो हैं वो भी जातीय समीकरण से एकदम बिल्कुल फिट बैठा है। अश्विन, एक सवाल मेरा यहाँ पे, उसका मैं शॉर्ट में आंसर जानना चाहूँगा कि मनोहर लाल खट्टर को जिस तरह से इस्तीफा कराया गया और चर्चाएँ हैं कि वो करनाल लोकसभा से चुनाव लड़ सकते हैं, मध्य प्रदेश में जाएंगे, शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री न बनाकर नया चेहरा सामने लाया गया, विदिशा से उन्हें चुनाव लड़ाया जा रहा है, राजस्थान में यही हुआ, भजनलाल शर्मा लाए गए, कयास लग रहे थे कि वसुंधरा राजे सिंधिया आएंगी, लेकिन अब चर्चाएं हैं कि उन्हें भी लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि जहां जहां जो मुख्यमंत्री काफ़ी समय तक रह लिए, जैसा आप जिक्र भी कर रहे थे, जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है उससे बचने के लिए अब इन पुराने और अनुभवियों को दिल्ली में लाया जा रहा है? बिल्कुल, एक कारण तो मेन है कि आप उस पर ध्यान देते हैं, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा कारण है, देखें अनुशासन की तरह, यही कांग्रेस या अन्य दल में होता है तो पार्टी छोड़ के अगले दिन ज्वाइन कर लेते हैं। आप देखें, अगर महाराष्ट्र में देखें जिस तरीके से हुआ, मुख्यमंत्री रहते हुए डिप्टी सीएम बने देवेंद्र, तो ये बड़ी विडंबना नहीं, ये कहते हैं अनुशासन की पार्टी हमारे लिए सर्वोपरि। नितिन गडकरी के बयान देखें आप, जिस तरीके से चलते हैं, वसुंधरा राजे पर्ची खोलते हुए राजनाथ से जिस तरीके से रिएक्शन आया, खूब वायरल हुआ, ये पूरा है कि नए लोगों को मौका देना, बदलती राजनीति को समझ के, जो नाराजगी मुख्यमंत्री के तौर पे होती है, मोदी एक ऐसा चेहरा बन चुके हैं जिनके लिए लोग उनकी एक आवाज़ पे थाली बजाने लगते हैं, कभी घंटी बजाने लगते हैं। तो प्रधानमंत्री के फेस पे चुनाव लड़ना है, अब सारा ठिकरा मनोहर लाल ठक्कर पे, जो पिछले दो उनके टर्म में थे, सब होके अब नए शिफ्ट हो गया, नई उत्तराखंड में ऐसे हुआ, सरकार लग रहा था कि भाजपा चली जाएगी क्योंकि वहाँ आम आदमी पार्टी लड़ी थी, कांग्रेस बहुत मजबूत के साथ लड़ी ही थी, तो बिल्कुल इन सबको पेयर करने के लिए, क्योंकि उनको 370 सीटें जीतना है, तो इसमें कोई कोर कसर अमित शाह नहीं छोड़ना चाहते। तो कुल मिलाकर जो हरियाणा में सियासी भूचाल